वो सभी पनघट पर एक दिन मिल जाती हैं और सहेली एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। राधा ललिता सीला उर्वशी साधना। ललिता ने कहा, हे सखी, जब से छोड़ करके चले गए हैं निर्मोही श्याम, तब से दोबारा लौट करके नहीं आए। तीसरी बोली, दोबारा शरीर से भले लौट के ना आए हो, लेकिन मेरे मन से कभी निकलते ही नहीं है। चौथी बोली, मेरे सपने में आए थे कल, हमसे माकर मांग रहे थे। पांचवी बोली, हमसे सपने में कहा पनघट पर चलो ना, मैंने कई ऐसे सपने देखे हैं। पास में खड़ी थी राधा, राधा चुपचाप सुन रही थी सभी बातें, लेकिन राधा कुछ बोल नहीं रही थी। एक सहेली ने कहा, राधा तुम्हें श्याम सपने में मिलने नहीं आते? राधा ने कहा, नहीं। अरे अरे, तुम्हें तो सपने में नहीं आते मिलने, तुम तो बहुत मानती थी। राधा ने कहा, सपने में नहीं आते मिलने, क्यों नहीं आते मालूम? क्योंकि जिस दिन से श्याम चले गए मुझे छोड़ करके, वह दिन मुझे नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहाँ से आए? अरे इसलिए सभी सखियां बोली बोली बड़े मन के कठोर ऐसे तनके
आसमां लिख लिख चिट्ठियां पटोती
तुम्हें गर्मी की फिक्र है, तुम्हें लग रहा उनके पर पंखा चलाई देती, उन्हें ना चिंता तुम्हारी। बोली अरे चंद्रमा की शोभा इन मुक्त चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है इन काले भमरों से पूछो, जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो, भगवान के दर्शन में रस क्या रजनी संग दिल से तुम पूछो, क्या अभी हमने अभी हमने अभी हमने जी भर के गोविंद भगवान की।